आज दरभंगा के कर्पूरी ठाकुर मैदान में अशोक प्रसाद ठाकुर की अध्यक्षता में नूनिया बिन बेलदार समाज का महासम्मेलन किया गया, जिसमें उद्घाटनकर्ता बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बिहार सरकार की मंत्री अनीता देवी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार ने 10 लाख रोजगार का वादा किया था, जिसमें अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए और हमने लगभग 5 लाख से ज्यादा नौकरियां चुके हैं, और बिहार सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वही भाजपा पर इस दौरान वह काफी हमलावर दिखे। उन्होंने कहा, भाजपा की सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है और धार्मिक उन्माद फैलाता है, जबकि हम काम करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमने नूनिया बिन बेलदार समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी दी है और उनके सम्मान का पूरा ख्याल रखा है, और आगे भी जो इन लोगों की मांगे हैं उसे भी हम पूरा करेंगे। जरूरत है कि आप लोग भी जिस तरह से हमारा साथ देते आए हैं, इसी तरह से हमारा साथ दें। माननीय मंत्री श्रीमती अनीता देवी जी, माननीय मंत्री श्री ललित यादव जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मिथिलांचल दुनिया समाज के अशोक प्रसाद महतो जी, राष्ट्र जनता दल के दरभंगा जिला के सदस्य बिहार श्री नारायण महतो जी, भैया हिलाइए नहीं, ठीक है, मतलब नहीं कुछ कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, संतोष महतो जी नहीं हो रहा, चंद्रशेखर महतो जी, बिंदा महतो जी, प्रकाश महतो जी, लगन महतो जी, कुछ नहीं आ रहा, नहीं यास्मी खातून जी, राजद जिला महिला अध्यक्ष अवधेश सहनी जी, साबिर हुसैन साहब जी, गंगा मंडल जी, मिथिलेश यादव जी, गंगाराम ग्रुप जी, हरिमोहन यादव जी, प्रवीण यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, अब्दुल मलिक जी, और यहाँ दूर दराज से आए हुए हमारी जितनी माताएं बहनें नूनिया समाज की, सभी बुजुर्ग अभिभावक और हमारे नौजवान युवा साथी, मीडिया के दोस्तों, आज संविधान दिवस के अवसर पर सबसे पहले आप लोगों को बधाई देते हैं, और इस कार्यक्रम में आप लोग आए हैं इसके लिए आपका स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। जितने बुजुर्ग हैं यहाँ सबका पैर छूते हैं, माता बहनों के लिए प्यार है और नौजवान युवा साथियों के लिए हमारा साथ है। ये पहला कार्यक्रम है कि नूनिया समाज के लोग जो है खुले मैदान में कार्यक्रम कर रहे हैं, और बड़े दिनों से अशोक जी का प्रयास रहा इस कार्यक्रम में हम आएंगे, और देखिए कितना अच्छा दिन है, संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ हमको अवसर मिला आप लोगों के बीच आकर के आप लोगों का आशीर्वाद देने का। संविधान को बचाना है तो भाजपा को भगाना है, लोकतंत्र को बचाना है तो भाजपा को भगाना है। देखिए अनीता जी ने बड़ी विस्तार से आप लोगों को समाज के बारे में बात रखी, और हम लोग सुन रहे थे अशोक जी का भी दिमाग का, तो एक बात आप लोग दिमाग से और दिल से एक बात साफ कर लीजिए, और एक बात मान लीजिए कि तेजस्वी नूनिया समाज के साथ खड़ा है, हर एक कमजोर वर्ग के साथ खड़ा है, और आपके मान सम्मान में कोई कमी आने नहीं दिया जाएगा, ये आप विश्वास कर लीजिए।
और आप लोगों के उत्थान के लिए जो समाज में अंतिम पैदाम को फैला रखती है, जो समाज पिछड़ा समाज हो या कि पिछड़ा समाज हो, दलित हो या आदिवासी समाज के हो, अल्पसंख्यक हो या स्वर्ण जाति से जो गरीब तबका जो है, उन सभी गरीबों के साथ हमारी पार्टी, हमारे नेता लालू जी खड़े हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए। और इसीलिए ना लोग देखिए खुल करके आज पिछड़ा समाज, जो पिछड़ा समाज दलित समाज को ताकत मिली कि खुल करके अपनी बात को सरेआम सब लोगों के सामने रख सकते हैं, अपने अधिकार को मांगते हैं। 1990 से पहले नहीं होता था ऐसा। ये लालू जी के आने के बाद ये आवाज आप लोगों को देने का काम किया, ताकि आप लोग अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए अधिकार मांग सके, ये ताकत मिली। लेकिन अभी सब लोग का सुन रहे थे, तो आप देखिए हम लोगों का मानना है कि हर जाति में गरीबी है, हर जात में लोग गरीब है, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अपर कास्ट प्रेमी का एक परिवार जो है गरीब है। इसीलिए हम लोगों का संघर्ष था, हमारे नेता लालू जी का संघर्ष था, मुख्यमंत्री जी की चाहत थी, नीतीश जी की, कि कम से कम जातीय जनगणना हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किसकी कितनी संख्या है और कौन परिवार गरीब परिवार है, तो कौन परिवार ऐसा है, कौन ऐसा जात का लोग है जो कचरा साफ करने वाला है, नाला साफ करने वाला है, कौन ऐसा परिवार है जो भूमिहीन है, कौन सा ऐसा परिवार है जिसका कच्चा मकान है, कौन ऐसा परिवार है जिसको रोजगार नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे है, तो ये सारा चीज जो है कैसे पता चलता है। अगर जातीय जनगणना नहीं होती और जातीय की खाली गणना नहीं हुई है, ये शैक्षणिक कौन समाज कितना पढ़ा लिखा है और आर्थिक, ये भी सारा काम हुआ इस सर्वे में। तो हम लोग तो शुरू से चाहते थे कि भाई पूरे देश में हो जाता तो पता चल जाता कि कितने लोग कितना गरीब है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने भाजपा और लोग नहीं चाहता था कि यही काम हो, प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते थे ये काम हो, हम लोग खुद गए थे, मुख्यमंत्री जी हम लोग सब लोग गए थे, और पार्टी के लोग गए थे दिल्ली, प्रधानमंत्री जी से मिले, प्रधानमंत्री जी से मिले, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया कि हम नहीं कराएंगे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि अगर नहीं करेगा तो बिहार सरकार अपने खर्च पर जो है जातीय आधारित गणना कराने का काम करेगा। अब बताइए अगर नहीं कराते तो मालूम कैसे पता चलता कि कौन गरीब है, किसका कितना पढ़ाई हुआ है, कौन बेरोजगार है, कौन गरीब है, कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला चलाता है, कौन मजदूरी करता है, ये कैसे पता चलता। तो हम लोग तो सभी समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन प्राथमिकता कहाँ, जो अंतिम समाज जो खड़ा है, जो गरीब है, उसको मुख्यधारा में लाना है, उसको लोगों को, उनके बच्चों को पढ़ाना है, उनको लोगों को आगे बढ़ाना है, ताकि समाज में गैर बराबरी ना हो, सब बराबर रहे, सबका मान हो, सबका सम्मान हो, इस दिशा में हम लोगों को काम करना। आप बताइए हम निकाला गया सर्वे आया तो पता चला पूरे बिहार में 94 लाख परिवार गरीब परिवार, 94 लाख परिवार जो है गरीब परिवार है। आप समझ जाए कितनी बढ़िया संख्या। अगर नहीं कराते तो पता नहीं चलता, हम लोग योजना बनाते जाते लेकिन लाभ उन गरीब परिवार को नहीं पहुंचता। लेकिन अब हमको पता है, सरकार को पता है कौन परिवार जो है गरीब है, अब उसके लिए काम कर दो, कौन परिवार भूमिहीन है। तो हम लोगों ने संख्या जब हुई तो अति पिछड़ा का संख्या बढ़ा, पिछड़ा का संख्या बढ़ा, ये सारा काम हुआ, दलित का संख्या बढ़ा, आदिवासी का संख्या बढ़ा। उसी हिसाब से हम लोगों ने तय किया कि सबसे पहले हम लोगों को आरक्षण की सीमा को बढ़ाना होगा। तो हम लोगों ने देश में
पहली बार कोई राज्य सरकार ऐसा है जो ये काम किया। खुद 31 में हुआ था अंग्रेज के जमाने में जाती जंगल, उसके बाद हुआ नहीं था आजाद मुल्क में, आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। ये बिहार पहला राज्य है जिसके पास अपने आबादी का जानकारी पूरा है, तो उसलिए ये हम लोग देश को दशा दिखाने का काम किए। अब पूरे देश में जो है इसकी मांग जो है हो रही है, सब कोई मांग रहा है। तो राहुल गांधी जी भी देखिए जाति जनगणना के पक्ष में है, हर रीजनल पार्टी क्षेत्रीय दल जाति जनगणना के पक्ष में है। तो अब जब पता चला तो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ा दिया, हम लोगों ने पिछड़ा का बढ़ाया, अति पिछड़ा का बढ़ाया, दलित का बढ़ाया, आदिवासियों का बढ़ाया, स्वर्ण जाति का पहले से 10% था हम लोगों ने 50 को 65 कर दिया, 65 और 10 यानी 75% जो है आरक्षण हम लोगों ने देने का काम किया। अगर पिछड़ा का बढ़ा, अति पिछड़ा का बढ़ा, दलित का बढ़ा, तो जो समाज के लोग आप लोग जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं तो फायदा तो आप लोगों को होगा कि नहीं होगा? नौकरी लगेगा आप सरकारी तो उसमें आरक्षण हो गया, अति पिछड़ा का बढ़ गया है तो फायदा होगा कि नहीं होगा? पढ़ाई लिखाई एडमिशन शैक्षणिक संस्थानों में आपके बाल बच्चों को फायदा होगा, यही तो हम लोगों की लड़ाई थी। ये न्याय करना है तो सबके साथ करना है, खाली दुनिया समाज तो गरीब है ही लेकिन और भी तो इनके साथी जो है वो लोग भी तो गरीब है, तो हम लोगों की तो पूरी जिम्मेवारी बनती है कि सब गरीब को ना एक साथ लेके चलना है, चाहे कोई जात को हो, आगे तो सबको बढ़ाना। तो हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी, और आप भाई बात सुनिए, 94 लाख जो परिवार है जिसका आय 6,000 से कम है, जो गरीबी रेखा के अंतर हम लोगों ने माना है, उस परिवार में ना नौकरी है ना रोजगार है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? आंकड़ा तो आ गया, अब करेंगे क्या? पहला काम हम लोगों ने आरक्षण को बढ़ाया, दूसरा काम क्योंकि ये सरकार सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय देने वाली सरकार है, इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया है माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोगों ने महागठबंधन की सरकार ने लालू जी के आशीर्वाद से, कि जो परिवार गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है आप लोग कदम से कदम मिला करके चलिएगा, तो पिछले बार 3-4 दिए हैं तो आगे और इसको 8-10 हम लोग कर देंगे, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हर जगह प्रतिनिधित्व मिले, आप लोगों के समाज की बात हो, काम हो, हर जगह मौका मिले, इसमें हम लोग काम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से यही विनती करके हम अपनी बात को समाप्त करेंगे कि जुमला पार्टी के चक्कर में एकदम न पड़ना है। जैसे नारायण दंगा फसाद है, अब तो यूपी के लोग कह रहा है, यूपी के लोग आपको कहता है कि वहां के जो मुख्यमंत्री बाबा है वो खाली घंटी बजवा देंगे, लेकिन नौकरी लेने बिहारी होना पड़ रहा है, तो समझ रहे हैं नौकरी घंटी बजाने से जो पेट भरे वाले। इसलिए आप सब लोग इनके अफवाहों को मत रहिए, मंदिर और मस्जिद से पेट नहीं भरता, ठीक है आस्था है, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, अब पूजा पाठ कोई दिखावटी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब दिखावटी करता है, दिल में भगवान होना चाहिए, मन में भगवान होना चाहिए, असली श्रद्धा वही होती है, कोई झूठों के टीका लगा के भगवा पहन के हे हो करने से नहीं होता है, ये बात समझना चाहिए, मन में भगवान हो और समाज में शांति हो। कोई धर्म नहीं सिखाता है कि आपस में बैर रखना, सुने कि नहीं जाना, कोई भगवान बताएगा कि उसको मार दो उसको मार दो, कोई नहीं, भगवान तो अहिंसा बोलते हैं कि सबसे प्यार से रहो, सबको मान सम्मान दो, गरीब का मदद करो, यही ना बात है भाई। यही लोग चक्कर में है राजनीति के वोट के, उस चक्कर में मत पड़िएगा। आज तौर पर लोग दरभंगा में पूरा जोर लगा देते हैं, पूरा जोर लगा देते हैं, एकदम ध्रुवीकरण हो जाए, हिंदू एकदम फट जाए, मुसलमान एकदम फट जाए, अरे हिंदू मुसलमान फट के हमारा हिंदू, हम भी हिंदू है कि नहीं? लेकिन हम हिंदू और पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, तो उसमें उसको क्या मिल रहा है? हक दे रहा कि नहीं दे रहा? कोई नहीं दे रहा भारत सरकार हक,
अधिकार मान सम्मान देना ना चाहिए। तो इसलिए आप सब लोगों को हम धन्यवाद करते हैं, संविधान दिवस के अवसर पर आप लोगों को बधाई देते हैं, और आप लोगों का जो कल्याण मंच है इंडिया समाज का, सभी अशोक जी और ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद देते हैं। सभी पार्टी के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको भी धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय जय। आज लुनिया बेन बेलदार महासभा में आज की अध्यक्षता कर रहे हैं अशोक कुमार महतो जी। हम लोग के नेता, जन जन के नेता, युवाओं के आइकॉन माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विधान ललित यादव जी, श्रीमन नारायण जी, अनिल महतो जी, ललन महतो जी, उदय शंकर यादव जी, गंगा मंडल जी, प्रदीप जी, कलावती देवी जी, बिंदा महतो जी, और यहाँ पर उपस्थित मंच पर सभी नेतागण, सभी स्वजाति बंधु माताओं बहनों मीडिया कर्मी, इस लुनिया बेन बेलदार महासभा में मैं आप लोग को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। जिस तरह माननीय तेजस्वी जी ने इस लुनिया बेन बेलदार में सभा में आप सभी स्वजातियों को मान बढ़ाने के काम किया, मैं नोखा विधायक अनिता देवी इनको अपने स्वजातीय के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। जिस तरह माननीय लालू प्रसाद यादव ने दुनिया को मान सम्मान देने के काम किए, आज से भी नहीं, जब 90 में माननीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने तब हमारे ससुर को उन्होंने मंत्री बनाने के काम किए। उसके बाद उन्होंने मेरे पति को भी 95 में मंत्री बनाने के काम किए। अभी फिलहाल अभी मौजूदा सरकार में माननीय तेजस्वी यादव ने लुनिया समाज को एक ही नहीं चार चार टिकट देने के काम किए। जिस तरह आप लोग से आग्रह है कि आप लोग सब लोग स्वजातीय अपना नेता माननीय तेजस्वी यादव को हाथ मजबूत कीजिए। आप लोग से यही आग्रह है कि हम लोग को जो आज हम बोल रहे हैं एक दुनिया के बेटी मंत्री बन के, वह किसी और का देन नहीं है, यह देन है माननीय लालू प्रसाद यादव को, जिन्होंने कभी गरीब गुरबा को लड़ाई के लिए घुटना टेकने की काम नहीं की। उन्होंने हम लोग के लड़ाई लड़ रहे हैं, जेल जाना मंजूर कर रहे हैं, लेकिन उन मनोवादियों के सामने घुटना नहीं टेक रहे हैं। आज सभी को आप लोग से आग्रह है, सभी स्वजातियों को आप लोग एकजुट होइए, एक सूत्र में बंधिए, ताकि हमारे कॉलेज के प्रांगण में लुनिया बेन बेलदार समाज द्वारा आयोजित इस महासम्मेलन का अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के मित्र, आपके समाज के नेता अशोक कुमार महतो जी, जन जन के नेता, युवाओं दिल के हाथ धड़कन, युवा सम्राट, बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बिहार सरकार में मंत्री आपके समाज से आती है अनिता देवी जी, सम्मानित मंच और तमाम आप दरभंगा मिथिलांचल से आए हुए सभी लुनिया बेन बेलदार समाज, आज ये अपार खुशी का दिन है। आज आपके नेता अशोक कुमार महतो जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से लगातार संपर्क में थे, और गांव-गांव दरभंगा जिला के मिथिलांचल के गांव-गांव में जाके लुनिया समाज, बेन समाज,
नूनिया बिंद बेलदार समाज का कोई इस तरह से खुला मैदान में और उसमें भी ये कर्पूरी डीएमसी मैदान में इतना बड़ा मैदान में किसी नूनिया बिंद बेलदार समाज का आज तक महासम्मेलन नहीं हुआ था। इसके लिए भी आप लोग इतनी संख्या में आए हैं, सब लोगों को हम लोग अपनी ओर से धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं कि आपका एकता ही बल है, आप संगठित रहेंगे उसी में आपका ताकत है। आप जब तक संगठित नहीं रहेंगे, जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक आपका कोई पहचानने वाला नहीं है। आप बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किस तरह से अति पिछड़ा के लिए किस तरह से लड़ाई लड़ा उसका परिणाम है कि आज आपको किनकी कितनी संख्या है, आपका जो मांग है, आपकी हिस्सेदारी कोई दूसरा नहीं दे सकता है। लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद जी आपको शुरू से आपके मांग को मानते रहे हैं। इसका प्रमाण है अनीता देवी जी हैं, इनके पति हम लोग के साथ आनंद जी मंत्री थे, आनंद मोहन जी, इनके ससुर जी भी चंगी चौधरी जी मंत्री थे, चार चार टिकट देने का काम नूनिया बिंद बेलदार समाज के लोगों को माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया है। एक काम नहीं किया है, जो भी आपके हक हिस्सा हकूक की लड़ाई है, एक ही व्यक्ति आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी लड़ाई लड़ सकता है, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है। एक ही नेता है जिसका नीति और नियत साफ है, उसका नाम है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तेजस्वी प्रसाद जी यादव जी जब से सरकार में आए हैं, आपके समाज के लिए, अति पिछड़ा समाज के लिए हमेशा सोचते रहते हैं और लड़ाई लड़ के आज जो आप देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है, आपका जातीय गंदा हुआ है, उसमें आपकी कितनी संख्या है आज स्पष्ट हो गया। चाहे केंद्र सरकार हो या चाहे बिहार सरकार हो, जिसकी जितनी संख्या है उसकी इतना हिस्सेदारी देना होगा, यह प्रमाण है। आपका दूसरा नेता नहीं कर सकते हैं, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी है, उगता हुआ सूरज है, हम लोग उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं और इनके नेतृत्व में हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। इनका नेतृत्व इससे अच्छा किसी का नेतृत्व नहीं हो सकता है। तो हम लोग आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के और आपके नूनिया बिंद समाज के लोग आए हुए हैं, इसके बीच में हम बहुत बाधक नहीं बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके समाज के लिए आपके द्वारा आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री उद्घाटन करता है, वो आए हैं आपके बीच में, आपको वही संबोधित करें तो बहुत अच्छा होगा। हम इसी बात कह के आप टोटल नूनिया बिंद बेलदार पूरे मिथिलांचल से आए हुए पुनः एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन और आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं, जितना एकजुटता के शक्ति के बल पर यहाँ मैदान में मौजूद है। क्या सब कैसा रहा प्रोग्राम? सफल तो हमको लग रहा है कि तेजस्वी जी अपने मुंह से ही बोल कर गया है कि ये ऐतिहासिक रैली था, जो आज तक नूनिया समाज का खुले मैदान में इस तरह का सभा आज तक कोई नहीं हुआ है, नहीं किया न कभी होगा। आज लाखों का आबादी हमारा नूनिया समाज अपने हक लड़ाई के लिए उतर गया। जो विशेष करके मांगे थी आपकी, उन्होंने मंच से भी कहा कि आपके साथ है, क्या लग रहा है जो 2024 में 25 में राजनीति हक की बात है? नूनिया समाज जो मेरा स्टैंड है उस पर नूनिया समाज कायम रहेगा। हमारे समाज को हमने खुले मंच से बोला कि हमारे समाज को 76 साल देश की आज़ादी हो गया, लेकिन आज तक मिथिलांचल से कभी कोई लोकसभा का प्रतिनिधि नहीं बना, आना एक विधायक का भी टिकट मिला। आज 75 MLC हमारे बिहार में है, बिहार राज्य में है, लेकिन एक भी मिथिलांचल से MLC का टिकट किसी को नहीं मिला। 16 राज्यसभा का सदस्य, लेकिन एक भी राज्यसभा का सदस्य हमारे मिथिलांचल से नहीं मिल पाया। हमको उम्मीद है कि तेजस्वी जी हमारे समाज की बात को सुनेंगे और उन पर पूरा विश्वास है कि हमारे समाज को लेकर चलेंगे। आपने भागीदारी की भी बात की, जिसकी जितनी साझेदारी उसमें उसकी भागीदारी क्या लग रहा है? जनगणना के हिसाब से मैंने देखा जो तेजस्वी जी किए, नूनिया बिंद बेलदार की आबादी 3.25-26% होता है, 3.5% के लगभग। राजपूत का भी उसी लमसम में बराबरी हिस्सेदारी है, ब्राह्मण लोग का भी वही हिस्सेदारी है। हमसे कम आबादी में जो भूमिहार जात का देखा जा रहा है, उस थोड़ा कम हमारे हैं, मल्हा भी हमसे कम है थोड़ा आबादी में, लेकिन हम लोग का समाज को कहीं कोई जगह नहीं मिला है। हम जबकि हमारा समाज उन लोग के बराबरी में है, जितनी हमारी आबादी है उस आबादी उनकी भी है, इसलिए जब वो
जगह ले सकते तो हमारे समाज को भी जगह क्यों नहीं मिलेगा। कैसा रहा इसका कार्यक्रम? क्या बहुत अच्छा, आज दुनिया समाज जग गया है, आज एकता का पहचान दिखाया है और अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए लाखों आदमी आज दुनिया समाज एकत्रित हुए हैं। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम अशोक कुमार प्रसाद महतो हुआ, अशोक प्रसाद महतो, मैं मिथिलांचल संघ के जिला मिथिलांचल अध्यक्ष।